निंजा टर्टल्स हैं तो व्हाट्स ऑन द कंप्लीट सर्च में आप देख रहे हैं पब्लिक जीवन ये हैं जोहा वो हैं फलक भट्ट जी करण जौहर गरम जौहर ओदियां मुछां होंदियां उंतरिया मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक ना पूछा अच्छा ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे क्या कहने परवीन साबिर शाकिर साहिबा क्या आपने जापान और चीन का इम्तजाज कर दिया उसके बॉर्डर को मिक्स एंड मैच कर दिया यानी इनको भी अनकरीब जेल होने वाली है नो नो नहीं 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 इनको जेल नहीं हो सकती अगर इनको जेल हो गई तो बाकी सारे कैदी क्या खाएंगे बाकी सारे कैदी खस्मों को खाएं इसे तो जेल में भेजो ऐसे ये जेल में हो तो इसका नंबर पता क्या होगा क्या क्या कैदी नंबर 800 पहाड़ वैसे मोहसिन मैं तो कहता हूँ इसे ना दिल्ली की तिहार जेल में भेजे और ऐसा भेजे कि इलेक्शन की खुशबू तक ना सूंघ पाए वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा ये मैनु यार ना मिले मैं मर जा मैं मर जावा बस दुआ करो नु यार ना मिले अगर मिल गया तो फिर यार मर जाएगा वेरी बैड मोहसिन एक शायरा एक अदब की चिड़िया को हुजते कर रहे हो शर्म तो नहीं आती आप अदब की चिड़िया नहीं हैं आप अदब का चिड़िया घर मोहसिन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की जो एडमिन है ना अनन्या पांडे उसके बार 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 मुझे एसएमएस आ रहे हैं क्या क्या वो कह रही है कि दीपिका और आलिया पहुंच चुके हैं और बेबो मलाइका को जिम से पिक करने गई है ऑफ कोर्स पार्टी शुरू होने वाली है मोहसिन जल्दी से तुम अपने गेस्ट को बुलाओ ताकि मैं उनसे डील क्रैक करूं और वापस पहुंचूं मोहसिन इस इंग्लिश मीडियम ख्वाजा सर को गोला मारो और मेहमान को बुलाओ आज के मेहमान के लिए मैं खास तैयार होके आई हूँ क्या तैयारी कर ली आपने एक हाथ में कुलियाते साहिल लुधियानवी और दूसरे हाथ में जॉन एलिया का दीवान उठाकर कसरत करके आई हूँ वाकई इसकी तैयारी में बड़ा टाइम लगता है वो सड़कों पे जो खंबे नहीं लगे होते हाँ गोल गोल पोल हाँ पोल ओदे नल ते कर ले पांदी है बहुत ही नौजवान तैयार हो जाइए क्योंकि आज का पब्लिक डिमांड मतंजन की वो देग है जिसमें सत रंगे अदबी चावल कॉमेडी के रसगुल्ले मौसीकी का खोया शामिल है और इस देग का ढक्कन उठाने के लिए आ रहे हैं मल्टी टैलेंटेड मल्टी डायमेंशनल इंसान जो शायर भी हैं अदीब भी हैं गाते भी अच्छा है बोलते भी अच्छा है और ये उस जमाने के निंजा हैं जब सेल्फ डिफेंस में सिर्फ गालियां दी जाती थी सो लेडीज एंड जेंटलमैन माय पर्सनल फेवरेट फरहत अब्बास शाह साहब और एक तो ज्यादा लेडीज ना हाथ नहीं मिलाने इनसे मिला लिया काफी अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम अस्सलाम वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर शुक्रिया सर सबसे पहले आई एम अ ह्यूज ह्यूज फैन और आपको सामने देखकर दिल बाग बाग हो चुका है सर मैं भी हैरत अमेज खुशी लेकर आया हूँ कि आप सब लोगों से मुलाकात हुई है हमारी टीम से मिलकर खुशी हुई है सिवाय सर दिल तोड़ दिया आपने उसका नहीं मकसद है कि सर हसीनाओं के दिल तोड़ने की आदत पुरानी है आपकी नहीं दुख भी नहीं हुआ लेकिन खुशी भी नहीं हुआ जी सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई ओके ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई जलजला फील हुआ किसी को जी आप इसे एज ए पंचिंग बैग समझ के प्यार किया हुस्न के मंबे को हुस्न की नियाग्रा फॉल को क्या बात है पंचिंग बैग कह रहे हो सॉरी सॉरी कुंग फू की अम्मी सॉरी कुंग फू से याद आया कि मार्शल आर्ट में कोई ऐसी तकनीक है जिससे बिजली का बिल कम आए सर नहीं है बिल्कुल नहीं बिलों के आगे तो ना मार्शल आर्ट चल रहा है ना कोई जंगी हिकमत अमली काम आ रहा है तो सर क्या निंजा भी जितने हैं वो सारे क्या मीटर रीडर से ही डील करें नहीं मीटर रीडर बेचारा कसूर है उसका नहीं कसूर हां वो जो पीछे से हां ये कुछ और रीडर हैं जो सर जिस तरह के हालात में पाकिस्तानी जी रहे हैं ऐसे ही लगता है कि अब हर शख्स ही निंजा बन चुका है सर क्या कहेंगे आप मंजा बन चुका है बल्कि मंजे पे लेट चुका है
हालात ऐसे ही हैं कि वो जीना भी जो है वो अब उस तरह का जीना नहीं है। वैसे शाह जी आप माशाल्लाह से शायर तो हैं ही, उस्तादों के छंडे हुए आप माशाल्लाह से गुलकार भी हैं। आपके सामने गोया कुछ परफॉर्म करना, कुछ गुनगुनाना ऐसे ही है जैसे वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच जीतना। लेकिन सर फिर भी मैं आपके लिए कुछ ब्लैक बेल्ट माहिए लेके आया हूं, सुनेंगे सर? ओ कोई रमज शनासाया, भाई कोई रमज शनासाया, अज रंग जमना है, अज फरत अबासाया, कोई सिग्नल टेंशन दे, ओए कोई सिग्नल टेंशन दे, फेवरेट शायर शाह जी है गे हर जनरेशन दे, सुन के भई कोई प्यार दा ढंग सजना, कोई प्यार दा ढंग सजना, बहीर वांगू शादी दा पिछों शहर वे चंग सजना, कमाल हो, बड़ी कमाल। ये मैं सरप्राइज था मेरे लिए, पहले भी मैं देखता तो हूँ और आज तो मेरे लिए और ज्यादा। इस प्रोग्राम की खूबी ये है कि आने वाले मेहमान को इतनी आप इज्जत देते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं, उससे हाईलाइट करते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अपनी नौइयत का इतना यानी बड़ा प्रोग्राम इस लिहाज से कि मेहमान को इज्जत दे रहे हैं आप, दूसरी कोई मिसाल ही नहीं। अच्छा जी इस तो पहले के साढ़े सामने कोई बर्फ के ब्लॉक ला जाए बैठी। अच्छा जी एम ए फलसफा, एम एस सी नफ्सियात, कुंग फू, मार्शल आर्ट, शायरी, टीवी, रेडियो सब कर लिया आपने सिवाय गायनाकोलॉजी के। सर इतने मल्टाई डायमेंशनल कैसे सर? वैसे जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग जो है, ये गायनाकोलॉजी है। okay. उस लिहाज से समझें कि ये भी हो, ये भी कर लिया आपने। शाह जी की और मेरी जोड़ी बन गई है, अब ये गायनाकोलॉजी भी सीख लेंगे। मैं माजरत खां अल्फाज वापस लेना मैं। आप अपना क्लिनिक ओपन करें ना, पेशेंट तो आए बैठे। इन्हां दी गायनोकोलॉजी जिहड़ी है ना वो टैंकां तो बगैर हो नहीं सकदी। टैंकां तो बगैर औजार बदलने पैणगे, पता लगे कोई मसला बन गया तो बंदा भेजिया कि जाके मीनारे पाकिस्तान ले आ। औजार जितने मर्जी बदल लें लेकिन दिल तो आपका वही है ना। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। शाह जी कलाम तो वसी शाह का है, लेकिन सुना है एक शाह का कलाम दूसरे शाह को लग जाता है। ओके कलाम में बद्दूर। कलाम बद्दूर, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो और फिर कोई जगाए ना मुझे शाम के बाद। मरवी। मर तो गई हूँ आप पर परे मरवी। अच्छा शाह जी आपको कैसा लगा आपके कलाम की और वसी शाह के कलाम की मंगनी हो गई? मकसद है पूरा क्यामत खेज है। अब एक नई टर्मिनोलॉजी में कहेंगे कि आप दोनों समधी हो चुके हैं। जब से वसी शाह मेरा देवर हुआ है टूरिज्म के रेट बढ़ गए। उस मस्कीन दे तो बेचारे नु कोई पता ही नहीं है कि रेट होंदे की ते टूरिज्म की है। एवें ना ओदे नाम ही ना लवो। नहीं ये बात ना करें, मुशायरे का रेट तो इतना अच्छा तय करते हैं वो। बस मुशायरे का ही करते हैं।
टूरिज्म का रेट का नहीं पता तो एम ही निगरान वजीर हो गए। ये निगरान वजीर एम ही हो गए सर। सर वैसे मल्टी टैलेंटेड इंसान के साथ एक ट्रेजेडी जरूर होती है, वो ये कि उसके हर टैलेंट के साथ इंसाफ शायद नहीं हो पाता। सर कुड़ी कहना चाह रही कि तुसी ये सारे काम की में कर ले। बुनियादी तौर पे तो ये ठीक कह रही हैं कि जो आदमी हर काम में टांग अड़ाता है तो कोई भी काम नहीं होता, लेकिन कोई अल्लाह का करम है कि मैंने असल में शायद इसकी वजह यह है कि मैंने जो काम शुरू किया है या शुरू ही वही काम किया जिसमें मुझे दिलचस्पी थी और मेरा शौक था। अभी मैं प्रोग्राम से पहले मीर साहब से ये कह रहा था कि ये प्रोग्राम का स्क्रिप्ट लिखते हुए इसको रीटेकिंग करते हुए आप थकते ही नहीं होंगे, आपको एहसास ही नहीं होता होगा कि आप दो दो तीन तीन दिन इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इनका दिल है, रूह है, शौक है, और यानी कि जुनून कहूँगा मैं। तो जिस काम में इंसान की दिलचस्पी हो, शौक हो, वो करते हुए थकता नहीं। मैंने वही काम किया जिंदगी में कि जिसमें मुझे लगा खुशी मिली है, ज़ाती अंदरूनी खुशी, तो वो काम होते चले गए। हमें गिला रहता है, मैं नाज़रीन को भी बताऊंगा कि हमारे यहाँ फिलोसोफर नहीं पैदा हुए, थ्योरिस्ट नहीं आए, चीज़ें ईजाद करने वाले नहीं आए। मैं अब तक 4 थ्योरीज दे चुका हूँ। क्या बात है। एक साइकोलॉजी की, उस वक्त टीचर ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा कि ये तुम तो बड़े यंग जैसे साइकोलॉजिस्ट को तुम रद्द कर रहे हो और अपनी बेसिक लाशऊर की, बुनियादी लाशऊर की थ्योरी दे रहे हो। मैंने इकोनॉमिक्स की दी थ्योरी, ट्विस्ट ऑफ इकोनॉमी थ्योरी, दुनिया का पहला इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस मॉडल बनाया। फिर अभी मैंने उर्दू की पहली तनकीदी थ्योरी दी है। अभी तक उर्दू की अपनी तनकीद की थ्योरी नहीं थी, और उर्दू का इदराकी दबिस्तान के नाम से मैंने ये तनकीद। तो यानी ये मेरे हिस्से में शायद इसीलिए आया है कि मैंने बहुत सारी मादी चीज़ें छोड़ के, जो मेरा शौक भी था और मुझे लगता था कि ये खिदमत भी है, इंसानी खिदमत है और मेरा फ़र्ज बनता है, वो फोकस किया तो अल्लाह ने कामयाबी। आपने जो थ्योरी दी है ना, मैंने लिखी है क्या थ्योरी, थ्योरी न रहे कोई आज तने करीब आओ मैं तुम में समा जाऊं, मुझे में समा जाओ और मुझे ये डर है तुम मेरा गेस्ट ना खा जाओ। वेल्डन क्या थ्योरी पेश की है, थ्योरी माजनू भी कट गई है। बात सुने शाहजी, इतना ना करीब आओ। आपको पता नहीं आपके लिए मैं क्या ऑफर लेके आया हूँ हिंदुस्तान जी, से जी जी जी। वैसे तो आप सीनियर हैं, अच्छा तो नहीं लगता, थोड़ा ना लो, तीन वाली सीट है। प्लीज, मेरा ख्याल है दो खुसरे शायर हराम। मैंने तो इस बात का जरा माइंड नहीं किया आपने क्या कह दिया। वैसे आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको ख्वाजा सरा कहना चाहिए। आपको पता ही नहीं आपके लिए मैं क्या ऑफर लेके यहाँ पहुँचा हूँ। पहले तो आप मेरे हाथ से चाय पीते रहिए, समझिए मैं आपकी दासी हूँ, बल्कि आपके खून की दासी हूँ। शाह जी आपको पता नहीं हमारे लिए क्या टेंशन बनी हुई है। वहाँ पे गुलजार और जावेद अख्तर ने फीसें बढ़ा दी और सेकंड लाइन गाने भी अच्छे नहीं लिख रहे, इसलिए आप मेरे साथ चलिए हिंदुस्तान में, यानी बॉम्बे में आपके लिए बहुत काम है। मोहसिन को भी साथ ले चलेंगे। रियली? यस। थैंक यू, बट मैं क्या करूंगा वहां पे? तू बांद्रा स्टेशन पे पाव भाजी का अड्डा ला ले। मोहसिन कैसे बात कर रहे हो मेरी जान, तुम हीरो हो, हैंडसम हो, तुमसे तो मैंने अभी डर्टी पिक्चर 2 करवानी है। ओह, आपकी ना हर पिक्चर ही डर्टी होती है। उससे किस डर्टी पिक्चर में काम करवाना चाहते हैं? विद्या बालन और इमरान हाशमी वाला। हाँ? वही सेम किरदार तुम करोगे इमरान हाशमी का किरदार। Really? और विद्या बालन वाला करेंगे नाना पाटेकर। बेटे मुंह करण जौहर तुम्हारा, दिल इकट्ठा करते ही मेरा। क्यों टेंशन ले रहे हो, सारी फिल्म तुम हेलमेट पहन के करोगे। चाची, किस किस किस्म की शायरी हुई है फिल्मों में कि आज तक वो गाने कानों में, दिलों में और जहनों में गूंजते हैं, लेकिन आज हम कमर्शियलिज्म के उस दहाने पर आन खड़े हुए हैं कि जहां पे गंदी बात, गंदी गंदी गंदी, इस तरह के गाने सुनने को मिल रहे हैं। सर आज भी अगर अच्छा गाना हो तो उससे बड़ा कमर्शियल कोई नहीं। पिछले 25 सालों से कदी आमिल सामल यार वे गाया, वाह वाह वाह, और वो अभी तक जो है वो जिसे कहते हैं ना कि उतरा नहीं है जी 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 सिनेमा से, तो वे अच्छा गाना जो है ना उससे बड़ा तो कमर्शियल कोई होता नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ये जितना किया जा रहा है इस तरह का कमर्शियल काम के, जिसको घटिया करार दे के ही कमर्शियल बनाया जाता जी, वो किसी मनसूबा बंदी से है। करण जौहर,
अगर गंदी बात सॉन्ग मुझसे करवाया होता ना तो मैंने कानों से धुएं निकलवा देने। अच्छा रखो, तुमसे गंदी बात करवाया होता फिर वो बात नहीं हरकत हो जानी थी। और कमेटी वाले को संभाल ही नहीं सी जाने। प्लीज आप तो ऐसी बात ना करें। ओए अल्लाह, गल सुनो, कोई ऐसा तरीका दसो मैं इन्हें हवाले कर दें। आप बाजू की बात कर रहे हैं, मैं तो रूह तक उतरना चाहती हूँ। एक सवाल है कि गजलें भी माशाल्लाह से आपकी अपनी होती हैं, आप गायकी में भी खुद कफील हैं, आपके तो जगजीत सिंह साहब से ज्यादा एल्बम्स होने चाहिए थे। नहीं, गाना मैंने गाने के लिए नहीं सीखा, मैंने सुनने के लिए सीखा। अरे वाह 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 वाह, नहीं बात के समझदार लोगों के पास बैठने जोगा हो जाऊं। शाह जी, आपकी शायरी पढ़ती हूँ ना तो मैं कहीं खो सी जाती हूँ, फिर वापसी बड़ी मुश्किल से होती है, मियां नवाज शरीफ की तरह। तो गोया आपके कहने का मतलब ये है कि शाह जी की शायरी डीले भी करवाती है। अच्छा, एहो जी कुड़ी ना छोटिया कजना अक्सर कहनी होनी है बाजी बिल्ली दी आवाज काट के बवा। अच्छा वैसे मेरे अलावा किसी और शायर नु ना कह बैठना। शाह जी, मैं एक आजाद मंच लड़की हूँ, मुझे ये बताएं नूनीम राशिद की तरह आजाद नज्म लिखने के लिए मादर पितर आजादी होनी चाहिए ना। बेटा तुम आजाद मंच नहीं मगर मंच लड़की हो। तेरा जो दिल करता है लिख। और तुम नज़म का ना पूछो, नज़मा नु खानी है। अच्छा दीदी, अगर मादर पितर आजादी से आजाद नज़में लिखी जाती ना तो मेरा नाम मजीद अमजद जौहर होता। वाह वाह, क्या दीदी, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको दादा कह लिया करूं। दीदी नहीं दादा। शाह जी, आओ मिल जाएं हलीम खान और जहांगीर तरीन की तरह, और मियां नवाज शरीफ के लिए जहाज भेजें। और इस्तकामे मोहब्बत पार्टी बनाएं। वाह, इसका मंशूर होगा क्या? आज दिल है पानी 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 पानी, और दिल है सानी 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 सानी, दिल है पानी 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 पानी, और दिल है सानी 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 सानी। पब्लिक डिमांड, लेडीज एंड जेंटलमैन, चल रहा है फरहत अब्बास शाह साहब का कॉमेडी रिमांड। सर एक बात बताइए, आप भी झंग से हैं, हीर भी झंग से थी, वाओ रांझा आया सीगा तख्त हजारे हो, तुसी मुंडे वाले नो सी के कुड़ी वाले नो? शायर जो है ना वो मोहब्बत वालों के साथ होता है, वो दोनों तरफ ही होता है। तो आप दोनों तरफ थे? अब मैं दोनों तरफ, आज तक दोनों तरफ हूं। ये दोनों के सेंटर में थे, अय्यूब चौक बैठे रहते सर। और वैसे भी शाह जी तो वारिस शाह के डिस्टेंस कजन है, इसलिए। लेकिन सर आपने भी तो किताब लिखी है हीर फरहत शाह, तो क्या ये हीर पुरानी हीर से मुख्तलिफ है या उससे मुमासलत रखती है? नहीं, टोटली मुख्तलिफ। अरे क्या बात, और ये उस तरह की मोहब्बत की कहानी नहीं है। अच्छा, ओ ये किरदार हैं वही, लेकिन है हमारे आज के दुखों की मुसीबतों की कहानी। क्या बात। शाह जी, जो अमृता प्रीतम साहिबा ने लिखा था, अज आखां वारिस शानू कितों कब्रां विचों बोल, हालात कुछ मुख्तलिफ तो नहीं है सर? नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये तारीख में आते रहते हैं। ये जो इस तरह की हादसे सानेहात ये ऑफ एंड ऑन आए हैं, ये अब भी हम बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे मैं एक दो शेर आपको सुना। प्लीज, मैं यही अर्ज करने लगा था, आपके कलम ने कुछ लिखा है। मैं लिखा है कि हर रोज उठाता हूँ किसी ख्वाब की मैयत, और आप ये कहते हैं कि मातम न करूं मैं, क्या अच्छा है, क्या अच्छा, वाह 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 वाह। एक शख्स दिखा दो मुझे हंसता हुआ दिल से, गोया कि ये सब देख के भी गम न करूं मैं, वाह 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 वाह। तो हालात तो ऐसे हैं, लेकिन गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इनकी किताब का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा है, हीर फरहत शाह। ज्यादा लोग आपको मानते अगर आप पीर फरहत शाह कर लेते तो। हाँ, लेकिन बहरहाल हीर जरूरी था। ये बात, क्या बात है सर, मोहब्बत के हामी कैदो को हीर रांझा का विलन कहते हैं, लेकिन जो के गैरतमंद ग्रुप है वो कहता है कि वो तो बिल्कुल दुरुस्त आदमी था। आप क्या समझते हैं कैदो को कहां पे आप? वो कि आज भी करैक्टर कैदो तो मौजूद है,
आप अपने वतन के लिए कुछ करना चाहें कैदो दरमियान में आएगा, आप माशरे के लिए कुछ करना चाहें, आप इंसानों के लिए, आप अपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहें तो कोई ना कोई कैदो आपको नजर आ जाएगा। वो एक मफाद परस्त इंसान का किरदार था जो नहीं देख सकता था कि मोहब्बत वाले दो दिल आपस में मिले, और उसकी सोच ये थी कि जागीरें जो है उनका क्या बनेगा, वो चली जाएंगे। शाहजी जैसा कि आपने ये कैदो का किरदार बयान किया है, उसके बाद तो मैं यही कहूंगी, क्या कैदो के तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे मरना, देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना, यही अदा तो एक सितम है, सुनो मेरी कसम है, कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे मरना। और सारी बेस लग गई है कोर्ट नो। गल सुनो, तुसी मेरे नाल जो कुछ कर दिता है ना, यार मैं एक शायर आदमी, एहो जे ख्वाब वेखण वाला, सपने वेखण वाला, तुसी ऐसा भौंचाल लाए हो मेरी जिंदगी। आप एक शायर हैं और शायरी का दीवान आपके सामने खुला पड़ा है। झूठ ना बोले, दीवान नहीं, दबिस्तान कहें, लाइब्रेरी कहें। तुम दीवान नहीं, तुम पूरा उर्दू बाजार हो। उर्दू बाजार भी वो मकबूजा कश्मीर वाला, हाँ। जिसके साथ ही सिलसिला है हयात। ए दीवान एहराम में मिसर। आपको पता है दीदी इतना अच्छा क्यों ये गाना गा रही है कैदो का? क्यों? क्योंकि ये हीर रांझा कैदो के साथ इनका बड़ा गहरा रिश्ता है। ए उन्होंने खा गई सी। नहीं शाहजी, रांझा 12 साल इन्हू ही चरांदा रहा। सर पाकिस्तान में रॉयल्टी नाम की कोई चीज है? आपकी किताबों पे आपको रॉयल्टी मिलती है? मिलती है, पूरी नहीं मिलती लेकिन बहरहाल मिलती है। फिर पूरा कब ना बदाल रॉयल्टी चल रही है? बदाल रॉयल्टी। सर इतने में भी खुद को मेरे ख्याल में खुशकिस्मती जानी है, क्योंकि आर्टिस्टों को तो नहीं मिलती सर। नहीं मिलती। अच्छा अच्छा, किताबों वाले फिर दे देते हैं। ये जो गीत चलाते हैं ना, पिछले दिनों ये किसी ने वो चलाया है। जी 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 जी। ये कैंपेन चली आ मिल सामल यार वे, तो वो मैंने कहा भी उनको यार इजाजत ही नहीं ली, वो जी हमने आपका नाम दे दिया। और मेरा इतना गाना जो मुझे इंडिया से किसी ने कहा बड़ी रॉयल्टी पे, तो मैंने किसी वजह से नहीं दिया उनको, तो वो मुफ्त चला के अपना मजा लेते रहे। तो ये तो है। अच्छा ये आपका कलाम इतना हिट है, दीवारों पे लिखा होता है बाबा आमिल सामिल यार वे, बाबा आमिल एक तवीज से सास कदमों में। काजी वैसे कोई फरमाइशी शायरी भी करते हैं आप, कि ऐसी कोई नज्म हो के जिसे सुन के संगल महबूब आपके कदमों में आ जाए? ये ड्रामों के लिए थीम सॉन्ग या इस तरह की वो फरमाइशी होते हैं, तो वो लिख लेता हूँ मैं। सर हमारी भी कोई फरमाइश पूरी कर दें, कुछ सुना दें हमें भी सर प्लीज। एक गजल के चंद शेर सुना देता हूँ। जी सर। आधे आधे जो भी किए थे सारे काम फजूल गए। बहुत अच्छे, क्या बात। आधे आधे जो भी किए थे सारे काम फजूल, सारे काम फजूल गए, सुबह हुई तो याद आए तुम, शाम हुई तो भूल गए। क्या अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। याद है उस दिन दोनों मिलकर कितनी देर हंसे थे, जब मैंने झूठी तारीफें की तुम दानिश्ता फूल गए। बारिश और तुम्हारा गम मशरूत हुआ है मुद्दत से। क्या अच्छा है भाई। दूर कहीं पर बादल बरसे आंख में आंसू झूल गए। वाह भाई, झूल गए, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। और जिन रस्तों पर खुशी खुशी हम पहरों तेरे साथ चले, तेरे बाद हम उन रस्तों से सारी उम्र मलूल गए। वाह 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 वाह। आधे आधे जो भी किए थे सारे काम फजूल गए, सुबह हुई तो याद आए तुम, शाम हुई तो भूल गए। भाई वाह 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 वाह। हा हा। सर एक बहुत ही संजीदा टेक्निकल सा सवाल है, कि क्या जरूरी है कि दिल टूटे तो ही इंसान अच्छा शायर बन सकता है? ऐसी जगह बिच्चू। हाँ जी। इतना ही मुख्तसर टेक्निकल सवाल था। दिल ना सही, कुछ और टूटने पर भी बंदे शायर बन सकता है। अच्छा। यही सवाल तुम प्रवीण शाकिर साहब से भी कर सकती हो। हाँ, मसलन कमानियां टूटन थे। कमानियां। जब इसने पहली मर्तबा गजल लिखी थी ना, यदि साइकिल
एक्सेल टूट गया। देखिए, अगर दिल की जगह कुछ भी टूटने से इंसान शायर बनता ना, तो पाकिस्तान का हर वजीर आजम असेंबलियां टूटने के बाद शायर होता। क्या बात, वाह वाह, क्या। बाकी दिल टूटने से ही अगर शायर बनता तो फवाद चौधरी का दीवान आया होना सी। असेंबलियों से याद आया, रात को सोते वक्त मेरी भी ना असेंबलियों में गैस हो गई। आप ना अमरीत की फक्की खाओ, ठीक हो जाओगी। अमरीत की फक्की क्या जबर स्टॉप से मिलती है? जी, आप बहुत बड़े कराची मास्टर हैं। ए रीढ़ दी एडी ते गोडा रख के कड़ाका ते काट दे गोडे दा। अच्छा शाहजी, छोड़े ये फजूल सी आंटी आपके साथ फ्रैंक हो रही है, आप उठें और चले हम मुंबई चले। हाँ। आप अपने दोनों बेटों को भी साथ ले लें, लेकिन वो रहेंगे मेरे साथ। बहुत अच्छा। और आप कहीं झोपड़पट्टी में रह लेना। सॉरी, आप ओबर आए होटल में स्टे कर लेना। मेरे बेटे इस तरह नहीं है। और ये जो आप ओबराय होटल की बात कर रहे हैं ना शाहजी, एक रात उठे रहन ते उस तो बाद पूरा साल उठे भांडे धो के जान छुड़ान। वेरी बैड, हम भी मेहमान नवाज हैं, हम खुद करेंगे उनकी इज्जत भी और रिस्पेक्ट भी। शाहजी, जो आपका बेटा है शाह मीर, वाओ मुंह ही मीठा हो गया, कितना स्वीट बॉय है। वो देखे कितने प्रैंक कर रहा है, आपने देखा ही होगा। सॉरी टू से, कितने व्यूज आते होंगे, कितने लाइक्स आते होंगे। हमारा मुल्क एक बड़ी मार्केट है, वहां पे उसको प्रैंक करने के ज्यादा मौके मिलेंगे। और हीरोज के साथ प्रैंक करेगा, रणबीर कपूर मिलेगा, रणबीर सिंह मिलेगा, विक्की कौशल मिलेगा, और जब मैं चिट दूंगा आलिया भट्ट भी मिलेगी, दीपिका पेटेगोन भी मिलेगी, और नूरा फातेह भी मिलेगी। आराम से शाहजी, ये साहिद लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी के बाद खला पैदा हुआ है, आए प्लीज इसको मिलके खत्म कर दे। इतना बड़ा खला नहीं पैदा हुआ, छोटा जहा पैदा हुआ है, मैं आपे पूरा कर लांगा। दीदी, शाहजी तो खला पुर कर ही देंगे, अगर तुम साथ जाओगी तो फिर खुला होगा। चुप कर, वे मैं लत मार के तेरी खुला बाजियां लवा दूंगी। शाहजी, शाम के बाद और IMF का कर्जा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, कब तक चलेगी शाम के बाद? ये वाली शाम के बाद तो चलती रहेगी। IMF से जान छुड़वाना, यजीद से सैयद रिहा कराने से मुश्किल है। ओए होए 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 होए, शाम के बाद आप बैठे हो और मैं ना सुनूं, ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता मैं, और ये मौका भी नहीं जाने दूंगा मैं। मैं सुना देता हूँ, अगर मूड है तो ठीक है, नहीं तो शाम के बाद। वो जो टल जाती रही सर से बला शाम के बाद, कोई तो था कि जो देता था दुआ, दुआ शाम के बाद, शाम के बाद। आहें भरती है शबे हिजर यतीमों की तरह, क्या अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। सर्द हो जाती है हर रोज हवा शाम के बाद, लौट आती है मेरी शब की इबादत खाली, लौट आती है मेरी शब की इबादत खाली, जाने किस अर्श पे रहता है खुदा। भाई वाह 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 वाह, गुस्ताखी माफ, लेकिन हमने भी कुछ बढ़त की है आपकी इसी शायरी में। तूने देखा है कभी एक अदम एतमाद के बाद, तूने देखा है कभी एक अदम एतमाद के बाद, गैर मकबूल हो गए सब इत्तेहाद के बाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। इतना बदनाम तो तारीख में कोई नहीं था, ये मगर खुश हैं शर्मनाक इस रिकॉर्ड के बाद। इतने चुपचाप के रस्ते भी रहेंगे ला इल्म, लूट के छोड़ जाएंगे ये वतन शाम के बाद। भाई कमाल करते हो, वाह 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 वाह। देखा आपकी इस गजल में हमने कैसे लाइनें बढ़ा दी। शाहजी ने जो घरेलू शायरी की हुई है वो तो कभी सुनाई नहीं, वो आप सुनाएं। हाँ जी, नहीं खोलती आपकी भाभी दर जब मैं आता हूँ घर शाम के बाद, वैसे तो सारा दिन पड़ा रहता हूँ मैं बिस्तर पे, मशीन लगाता हूँ रोज शाम के बाद। बच्चे तो आ जाते हैं रात को 3-4 बजे तक घर, मुझे डांटती है आपकी भाभी शाम के बाद। पब्लिक डिमांड, तेरा चेहरा कर दे। और इस चेयर पे मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि यही है पब्लिक की डिमांड। रियली? आज पब्लिक डिमांड में
कदम रंजा फरमा है मेरे मिजाजी शायर फरत अब्बास शाह। बाजी मेरे क्यू कार्ड ना खा जी दे दे मैनू। अच्छा थोड़ा सा केचप है क्यों? ये मैंने स्लाइस खाना है। शाह जी ये फिल्मी हीरोज की डीपीज लगाने वाली जनरेशन को क्या पता कि आप कौन हैं? आप वो हैं कि जिनके पोस्टर लगे होते थे बैठकों में, क्लब्स में, जिम्स में, गरम हमाम थे। इन्होंने की पता सर, लेकिन अवाम ने आपको इतना प्यार दिया, हुकूमती सतह पे वो पजीराई मिली, खुश हैं आप? पिछले दिनों उन्होंने दिया है मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सदारती अवार्ड दिया है, तो मेरे लिए तो वो हैरान कुन भी था। अच्छा। और खुशी की बात भी थी क्योंकि रियासत की तरफ से अगर किसी जेन्युइन आदमी को मिले तो फिर सारे मुल्क को खुशी होती है। क्या बात, अपने वतन से मोहब्बत है, प्यार है, तो बहरहाल मुझे उस पर खुशी भी है, फख्र भी। क्या बात है, मुबारकबाद के लिए। क्या जी, अब वक्त हुआ चाहता है कुछ ऐसे सवालात का जो कि आप समझ लेंगे कुछ मार्शल आर्ट किस्म के सवालात होंगे, अब आपको डिफेंड करना पड़ेगा जी। आप तैयार हैं? ओके। फेवरेट इनकलाबी शायर, फैज अहमद फैज साहब या फिर हबीब जालिब साहब? हबीब जालिब। क्या बात। फेवरेट क्लासिक शायर सर, गालिब या मीर तकी मीर? गालिब। ओके। नूर जहां साहिबा या फिर लता मंगेशकर? दोनों। आप दोनों को सुनते हैं जी? आप लॉन्ग ड्राइव पे किसको सुनते हैं ज्यादा? दोनों। थोड़ी सर्च हिस्ट्री देख ला मैं। ओके। सर किशोर कुमार साहब या फिर मोहम्मद रफी साहब? ये भी दोनों। नहीं, अब दोनों भी ठीक है, लेकिन पहला गाना किसका सुनते हैं, प्रेफर किसको करते हैं गाड़ी में बैठते पहले किसको? रफी साहब। एनी की गल सी बा, ऐसे सुनना सी मैं। ओके। सर किंग ऑफ कॉमेडी, लेजेंडरी सर अमानुल्ला या फिर लेजेंडरी सर उमर शरीफ? अमानुल्ला। सर सुहेल अहमद साहब या फिर आफ्ताब इकबाल साहब? सुहेल साहब। क्या बात है। सर ब्रूसली या फिर अशरफ ताई? अशरफ ताई। ओके। सर फेवरेट फीमेल गजल गायक, फरीदा खानम जी या इकबाल बानो साहब? फरीदा खान। अरे क्या बात है। सर उस्ताद सलामत अली खान साहब या फिर भीम सेन जोशी साहब? सलामत खान साहब। अरे क्या आए हाय। राशिद अली खान साहब या फिर शफकत सलामत अली खान साहब? राशिद। सर फेवरेट बरादरान तो बताए ना हमें, चौधरी बरादरान या फिर ताफू बरादरान? ताफू बरादरान। चौधरी बरादरान। ओके। सर वैसे चले आपने वहां पे तो ताफू बरादरान चुन लिया, लेकिन आप ये बताएंगे फेवरेट चौधरी कौन है, चौधरी शुजात साहब या फिर चौधरी परवेज इलाही साहब? चौधरी शुजात। कासिम के अब्बू या मरियम के पप्पा? मरियम के पप्पा। क्या सुन रहा हूं मैं? वाह वाह वाह, कुछ भी ना कहा कुछ कह भी गए। आदाबर्स। सर अताउल हक कासमी साहब या फिर मुन्नू भाई? मुन्नू भाई साहब। अरे क्या बात, क्या बात। सर शायर मोहसिन नकवी या फिर निगरान वजीर आला मोहसिन? शायर मोहसिन नकवी। ये बात। ये बात। सर बेहतरीन निगरान वजीर वसी शाह साहब या फिर मुर्तजा सोलंगी साहब? सोलंगी साहब। सर फ्लाइंग किक या फिर फ्लाइंग किस? किक की ठीक है। अच्छा जी, आप कौन से वाले इलेक्शन पसंद करते हैं, 90 दिन बाद वाले या फिर 11 साल बाद वाले? शफाफ वाले। ये है बात, ये है बात। सर सेमी सियासी सिंगर, अबरारुल हक साहब या फिर जवाद अहमद साहब? इबरार। ओके। बहुत बढ़िया खेला लड़का, तालियां बजाओ। अच्छा जी, सवाल की स्पिरिट ये थी बेसिकली कि जितने भी हमारे सिंगर्स हैं या एक्टर्स हैं उनमें से जिन्होंने सियासत में कदम रखा तो आप कह रहे हैं कि उसमें ज्यादा अच्छा सियासी रोल अबरारुल हक साहब ने प्ले किया, जवाद साहब नहीं कर सके। लड़का तो अच्छा खेला, जगह छोड़ लड़की इधर आ जाओ ना मेरी गोद में। सर अब मैं कुछ गीत गुनगुनाऊंगा और आपको बताना ये होगा कि ये गीत जो है किस सियासी जमात का एजेंडा है या किस सियासी जमात पर सादिक आता है। आप तैयार हैं सर? पहला गीत है बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, और सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में, तेरे नैनों की भूल भुलैया में, बो
भी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। वाह 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 करण, प्लीज प्लीज पीछे पीछे। ये गाना 6 महीने चलना चाहिए। सर पॉलिटिकली किस तरह डिस्क्राइब करेंगे आप इस अस्थाई को? ये तो सीधी सीधी निगरान हुकूमत पर ये तो फिट आती है। और चाबी खो जाए तो दिल नहीं करता कि चाबी वहाँ कहीं कोई आए जाए। आए, आए, वो तो कहते हैं बस ये चलता जाएगा। शाहजी आप तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स और रोमांस को कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या बात, मेरा काम है ना जी। क्या बात है। सर अगला गीत है मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी गिरा न सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है मेरे प्यार को तुम मिटा न सकोगे, मुझे तुम नजर। क्या कहेंगे असम के अबू? गोया मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। अरे कमाल, ऐसा बढ़िया जवाब, क्या प्रोपोजिशन लगा रहे हैं आप, क्या तालियां एक बार फिर से। वाह 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 वाह, बहुत लुत्फ। अच्छा वो पहला बोल जो है मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, वो तो दीदी पे ही आता होगा ना? वो पहली बहुत गिरी हुई है। तुम गिरी का तेल लगाओ। सर बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बड़ा लुत्फ आया मुझे और मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी जो कि पूरी हुई, तो पब्लिक डिमांड की पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है। लेकिन जाते जाते सर एक जहमत आपको देंगे जिसके लिए आपको वहां तशरीफ लाना होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, फरहत बादशाह साहब। क्या जी, जाते जाते जो मेरा पसंदीदा कथा है आपका, मैंने उसको कंपोज करने की गुस्साखी की है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पेश करूं। बदल गए मेरे मौसम तो यार, अब आए बदल गए मेरे मौसम तो यार, अब आए गमों ने चाट लिया गम गुसार, वक्त इस तरह रोने का तो नहीं, लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे सो करूं के मेरे
सो गवार अब आए बदल गए। बहुत सर, बड़ी नवाज़ी, बहुत शुक्रिया सर। अब जाते जाते बारी है हैप्पी रोस्टिंग, एक हमारा सेगमेंट होता है सर, उसमें जिसको जो आपको समझ आए, इनके मुंह को देखते हुए इनके शायाने शान कुछ अता कीजिए सर। शेरी नन्ना इधर से ना शुरू हो जाओ सर, इधर से आ जाए सर। थैंक यू, आज मुझे मालूम हुआ आप मुझे दिल से बहुत चाहते हैं। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि कम अज कम आगाज तो अच्छा हो। अंजाम तो बुरा है सर। पलक भट्ट साहब, ये मुझे आपका प्रोग्राम कहकशां की तरह लगा है सर। तो ये सितारा हैं, ये चांद हैं, आप सूरज हैं, अरे सर ये शहाब साकिब हैं, और ये स्काई लैब।